हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं हेलो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये DV60 के शराब के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट एंड लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ये DV60 का शराब क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है और उसका डोजेस क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये DV60 के शराब के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये विटामिन D3 का शराब है। बात करें इसके बेनिफिट्स की तो दोस्तों, ये DV60 के शराब जो है दोस्तों, ये बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन D3 के सही स्तर पर होने की वजह से हमारे जो शरीर पर जो हड्डियाँ हैं उसका सेहत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो उसका बेनिफिट्स है वो है इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन D3 शराब लेने की वजह से आपके शरीर पर इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, और जिसके लिए आपका शरीर जो है दोस्तों, वो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो इसका बेनिफिट्स है दोस्तों, वो है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन D3 की कमी की वजह से आपके शरीर पर डिप्रेशन या फिर अन्य मानसिक स्वास्थ्य की समस्या दिखाई दे सकती है। दोस्तों, नंबर 4 पर जो बेनिफिट्स है दोस्तों, वो है कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सही स्तर पर हमारे शरीर पर विटामिन D3 होने की वजह से एक तरह की कह सकते हैं कि ये विटामिन D3 आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो 5 नंबर पर जो उसका बेनिफिट्स है वो है कैंसर के खतरों को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन D3 की सही स्तर पर होने की वजह से आपके शरीर पर कैंसर की जो संभावना है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा उसका 5 बेनिफिट्स, और इसका जो रिसर्च पेपर है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये DV60 के यानी विटामिन D3 ओवरडोज होने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि पहला जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपरकैल्शिमिया, यानी विटामिन D3 ज़्यादा लेने की वजह से आपके शरीर पर यानी ब्लड पर कैल्शियम के लेवल बढ़ जाते हैं, और जिसे हाइपरकैल्शिमिया कहा जाता है। और इसके लिए कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि नोशिया, वोमिटिंग, वीकनेस और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। और उसके दूसरा जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, ओवरडोज होने की वजह से तो किडनी पर स्टोन हो सकता है। तो दोस्तों, हाई विटामिन D3 लेने की वजह से आपके शरीर पर कैल्शियम की लेवल बढ़ सकता है, और जिसके लिए आपकी किडनी पर स्टोन फॉर्मेशन की खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो है डाइजेस्टिव इशू। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन D3 ज़्यादा होने की वजह से कुछ डाइजेस्टिव इशू देखने को मिल जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और उसके अलावा भी दोस्तों, कुछ लोगों में दोस्तों ये एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ये विटामिन D3 लेने की वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जितने प्रकार के साइड इफेक्ट हैं ना दोस्तों, ये इसके रिसर्च पेपर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये DV60 के शराब के अंदर 4 बॉटल्स होते हैं, और पर बॉटल के अंदर 5 ml विटामिन D3 होता है। तो हफ्ते में एक बार एक बोतल लेना चाहिए, और 4 हफ्ते में 4 बोतल लेना चाहिए। तो किसी भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अनुसार आप मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि ये DV60 के क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है और उसका डोजेस क्या है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में ये DV60 के शराब के बारे में बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप हमें पूछ सकते हो, उसके बारे में हम जरूर जवाब देंगे आपको। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ।